हाँ ओके सर, ओके हाँ तो सादर प्रणाम, आप चरण स्पर्श गुरुजी, हाथ या खड़ी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी उगाड़ी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गुड़ी पड़वा। गुड पड़वा एंड सेम टू यू एंड सेम टू योर फैमिली एंड जय गणेश। ठीक है तो हम आज क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ फार द टेक्स्ट हैव बीन यूजफुल टू अस। मेनी टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कर रहे थे, वी आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड आज के दिन का अगर हॉरोस्कोप डालेंगे तो उसको कैसा अनलेस करना, क्या करने का, दैट इज ईयरली हॉरोस्कोप है ना, ये उसको जगत लगना बोलते, जगन लगना बोलते, दैट इज पूरा जगत का एक लगना होता है। उसमें अलग अलग तरीके का लगन भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होता है, लेकिन उसमें क्या है मेन थिंग क्या होता है, इसमें आज के दिन ट्यूजडे है, ट्यूजडे के दिन प्रतिपाद आया, इसलिए तो आज का जो स्वामी है मंगल वही राजा होता मतलब कि वर्ष का राजा, ये साल के जो भी जो गुड़ी वही पड़वा से होता नया साल शुरू हुआ है, है। हाँ इस उस साल का जो दिन राजा है वो मंगल है, राइट? सनराइज के टाइम में जो तिथि रहता वो तिथि में मंगलवार आया, क्योंकि सनराइज के बाद तिथि 8 बजे के बाद तिथि चेंज हो जाता, बट सनराइज के टाइम भी तिथि था इसलिए वो मंगलवार था, राजा मंगल हो गया। ओके उसके बाद में क्या है कुछ इधर यू कैन सी क्या है यहाँ पर दिख रहा है आपको, देख या ये थोड़ा पढ़ा देता हूँ। ओके तो ये क्या है, बाकी लोग है, एक राजा है, एक मंत्री है, सेनाधिपति है, अर्घ्याधिपति है, मेघाधिपति है, सस्याधिपति है, धान्याधिपति है, रसाधिपति है, नीरज, ऐसा नौ, ये नवनायिका बोलते उसको, नवनायक एक वर्ष के नवनायक बोलते उसको। ओके, ठीक है नाइन टाइप ऑफ बेसिक यस, उसका मिनिस्टर। वो कहा यस कैसा कैरेक्टर ना वो दे दिया, दैट इज द डे लॉर्ड, दैट इज शुक्ल पक्ष प्रतिपद प्रिवेलिंग एट द सनराइज, दैट इज टू बी टेकन, दैट इज डे लॉर्ड कौन है, आज ट्यूजडे मार्स है। ठीक है तो ही इज द किंग। मंत्री कौन है, द वीकडे लॉर्ड एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ सन इन मेष राशि। अभी मैं किधर है, सन इज हियर, देखो सूर्य इधर है, मेष ये दोनों राशि, इधर, हाँ मैं सूर्य मेष राशि में रहता है, इधर है यस सन सर, इज इन पाइसिस, पाइसिस ये पाइसिस दिस पाइसिस, ओ आपको नॉर्थ इंडिया डालता फॉरगेट, मैं भूल गया। ठीक है हाँ ठीक है, नहीं ये समझ में आता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ये हाँ सन इधर है पाइसिस में है, ये कब आता है, ही विल कम टू टू कल 2:15 को आता है इधर, टुमारो ही विल कम एट 2:15 को कुछ टाइम को आता हो, ही विल कम देयर, सो ही टुमारो ही विल कम, कल मैं आई एम कमिंग हियर। तो कल क्या होता, वेडनेसडे हो जाता है ना, लेकिन क्या है वो रात को आ रहा है, आज रात को ही आ रहा है, नॉट टुमारो मॉर्निंग, आज रात को 2:15 को आ रहा है। ओके अच्छा बिकॉज आज रात को आ रहा है, हमारे पास क्या है, वी हैव ए सिस्टम, सूर्योदय से लेकर अगला सूर्योदय तक एक ही बार रहता हाँ यस सर, वैदिक डेज फ्रॉम डे सनराइज टू सनराइज। है। लेकिन हमारे वाले क्या करे, इधर इधर हमारे दो पंचांग देखा हमारे, पहले देख के हाँ दो पंचांग, हमें कन्नड़ा में एक है एक तेलुगु में है, दोनों पंचांग में क्या करे, राजा को रवि बना दिए, किस हिसाब से बनाए पता ही नहीं, और उसके मंत्री भी रवि बना दिए, किस हिसाब से बने पता ही नहीं, सो दोनों तरफ वो बना के पूरा। और एक में क्या है, राजा भौमा, भौमा बोल तो मंगल, मंत्री भौमा बराबर है, और एक भौमा बना है, सस्याधिपति कहीं कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, मतलब क्या ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग, दे आर टेकिंग आज आज 12 o'clock मिडनाइट को जो चेंज होता है ना वही ले रहे हैं, दैट इज वेयर तो पंडित सर, लोग है, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज एवरी टॉम डिक एंड हैरी स्टार्टेड राइटिंग पंचांग। सर एज फार एज यू हैव थॉट अस, मोस्टली सनराइज सनराइज पे जो होता है हाँ वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, राइट? तिथि के लिए, या ओके, वो वही तो शास्त्रों में लिखा है। हाँ, और नक्षत्र जो है ना, नक्षत्र जब जब होता उसी नक्षत्र का रहता, यू सपोज आपको नक्षत्र बल देखना है तो जब नक्षत्र आता उसी नक्षत्र को लेना पड़ेगा, अच्छा तिथि जो सूर्योदय में उसी से उसी को लेना पड़ेगा, हर हर शुभ कार्य के लिए तिथि तो वही जो सुबह वही लेना पड़ेगा।
हाँ तिथि मतलब जो सूर्योदय के समय तिथि है पूरे दिन का तिथि वही पकड़ा जाएगा राइट। वही पकड़, तो वही तिथि पकड़ना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है ये। तो इसमें ये गलती हो गई, टोटल गलती कर दी। उसके लिए मैं क्या कर रहा, एंटायर थिंग कैलकुलेट करा फिर से, ओके okay. ये बेसिस रख के पूरा कैलकुलेट करा। कैलकुलेट करते हो मेरे क्या आया, ये दिख रहा है आपको कलर का दिख रहा है ना इधर? हाँ यस सर अरे इसमें क्या आ गया, ये इधर क्या है, ये बस ऑर्डर में नहीं है, ठीक है बता। इधर ये नीरस, ये लास्ट वाला जो आया ना, नीरसाधिपति, वो फ्राइडे है, दैट इज कभी January 14, 2022 को जो है सन विल एंटर इनटू कैप्रिकॉर्न। वो कैप्रिकॉर्न में जब एंटर होता उस दिन जो वार वीक रह दे रहा था, दैट विल बिकम नीरसाधिपति। नीरसाधिपति बोलते अनएंथुजियास्टिक, जो भी ओके अनएंथुजियास्टिक मैटर्स है, वट एवर ट्रेजेडी है, दुख है, डिप्रेशन है, इसके लिए वो मालिक है, राइट? अच्छा राइट देन उसके बाद क्या उगादि, क्या हुआ, उगादि परफेक्ट है, दैट इज प्रतिपादा, सन एंटर, सन तो एंटर हो गया, उसके बाद सन पे एग्जैक्टली प्रतिपाद जो है सनराइज के टाइम पे था, इसलिए ट्यूजडे मार्स राजा हो गया। ओके तो ये साल का राजा मार्स है। अच्छा हाँ मार्स का राजा, और मंत्री भी मार्स है, क्योंकि दो से आज के रात को 2:35 पर फिर सन मेष में आ जाता। आज अभी अभी पैसेस में मेष में आता, जब मेष में आता सन, उसको क्या बोलते हैं, उसको 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 क्या क्या बोलते हैं, उसको मंत्री बोलते हैं, उसको ही अच्छा बिकम मंत्री, ही बिकम मंत्री, ठीक है? मुझे प्राइम मिनिस्टर विथ मल्टीपल पोर्टफोलियो पर यदि इसके इसके मीनिंग है हर चीज के, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्यों बोल तो पूरा जो है ना लगन 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 बैठ के बैठ गए, पूरा दिमाग को पूरा लगन लगन छोड़ के, कुछ भी बात करो, कुछ भी नया सिखाओ, वो फिर वापस वो घोड़ा वहीं जाता वापस, बस। तो मतलब आइडिया क्या है, इफ यू सी पराशर, देर आर नंबर ऑफ लग्न, बहुत लग्न लग्न होते। अब आप ही बात कर रहे थे, आप कहीं से पकड़ के वर्णा डाल दी, किसके उसका मतलब ही अलग है। वो वर्णा क्या है, वर्णा तो हम वर्णा समझे, वर्णा ऐसा नहीं है, मीनिंग इट इज वर्णा स्पेशली फॉर दैट पर्पज है। वहां से क्या क्या देखना है एक आयरधार के लिए, वहां से क्या क्या देखना है उसके लिए अलग अलग चीज है फिर से। तो ये जो ये ऐसे वैसे हर एक का निश्चय लग्न है, यानी कि इफ यू डू वांट टू करेक्ट द टाइम ऑफ बर्थ, निश्चय लग्न का कैलकुलेट करना। ये कैलकुलेट किसको आता, कैलकुलेट उसको आता जो आदमी इंडियन टाइम सिस्टम जानता है, घटी घटियों में जो पहले करते थे ना पंडित लोग, हाँ तो हाँ वो उसी में आता है। अभी क्या, सूर्योदय घटी में जाता आपको, सूर्योदय जो घटी में जाता, और वो अरे सूर्योदय तो शुरू होता वहां से शुरू होना ना, फिर नहीं, घटी जो है ना, ये जो मिड डे से शुरू करते ना, मिड नाइट से शुरू करते ना, ये उनका नहीं है, वेस्टर्न का नहीं है, अपना ही है, यही ये मुहूर्त में वही आता, दैट इज घटी जो है 0 घटी, 0 आवर्स में 0 घड़ी रहता रात को, वहां से घड़ियां शुरू होते, अच्छा तो उसलिए वो सूर्य से कुछ घड़ी रहता। वैसे बर्थ भी क्या उनका 60 घड़ीस में, 60 घड़ी में कितना घड़ी होता, तो रात दिन सोचने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक रात और दिन सब दोनों मालूम होता है, नंबर ऑफ घड़ीस 0 to 20, 0 to लेकर 60 घड़ीस रहता है, हाँ जैसे सन इज ऑन द हेड एग्जैक्टली 12 o'clock नॉट इवनिंग, नाइट, मिडनाइट मिडनाइट को शुरू होता। ओके हाँ ओके आप सनराइज, अब मिडनाइट इज 0 शुरू होता, यहाँ से जो है 6 बजे, वहां से देखे 6 घंटे है ना, वो 6 घंटे को जितना होता उतना घड़िया इधर बताता आप, तो वो कैलकुलेट करके, तो हम लोग समझ में आते, घटी नहीं देते। अभी क्या क्या पंचांग कैसे लिख रहे हैं, एफीमेरिस ले लेते इधर से कंप्यूटर से, हाँ उसको आगे तो अपने भाषा में लिख के बदल दे रहे कंप्लीट, अब वही पंचांग हो जा रहा है, उनकी स्पीच इतना डिटेल का कैलकुलेशन नहीं हो रहा, मालूम नहीं हो रहा। एक ठीक है, मतलब क्या है, अब ये राजा ये सब पर गलती हो गए, तो जो भी बताता है पंचांग पढ़ता, सब गलती पढ़ते रहते हाँ अगर ये जो गलत कैलकुलेशन गलत लेंगे तो फिर आगे तो सब कुछ गलत ही होगा उसके बाद। है ना। नेक्स्ट इसमें क्या है, अर्घ्याधिपति, ये अर्घ्याधिपति क्या है, लोगों को पता नहीं, कभी भी जो है ना कोई कोई अगर बारिश गिरना आता, उसके पहले होम करते, उसके बाद अर्घ्य देते उसको, हाँ राइट वो अर्घ्य मतलब क्या है, इनिशिएशन टू गेट मेघ, मेघ मेघ जो अगर
बादल पूरा अगर जमा होना तो उसके लिए होम करते, उसके लिए अर्घ देते, वो अर्घ्य देने का अर्घ्याधिपति, वो भी मार्स है, देखो ये बार ओके यस मार्स हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, सन एंटर्स ऑन 22nd जून, दैट इज दो इट इज ट्यूजडे, बट आद्रा नक्षत्र, दैट इज बारिश के लिए आता हो, मेगा देर क्लाउड बनाने के लिए, तो वो मंडे आया। एक्चुअली क्या है, ट्यूजडे एक्चुअली ट्यूजडे है, बट एक दिन सूर्य पहले पहले आ गया आर्द्र नक्षत्र में, सूर्य के पहले आ गया, इसलिए क्या मंडे हो गया, तो मून बिकम्स मेघाधिपति। अब उसके बाद में क्या हुआ, ये फ्राइडे सस्याधिपति, ये 1641 है, दैट इज कैंसर में एंटर होना, सन कैंसर में कब एंटर होता, 16th जुलाई 2021 में एंटर होता, 1641 यानी कि दोपहर में एंटर होना, मतलब फ्राइडे ही रहता, देयरफॉर सस्याधिपति शुक्र, राइट। देन उसके बाद में क्या, ये क्या है, सेनाधिपति, लियो में जो आता, जब सन लियो में आता, तो लियो में कब आ रहा है, ट्यूजडे, दैट इज ऑन 17th अगस्त 2021 को ट्यूजडे आ रहा है, मिडनाइट में आ रहा है, मतलब क्या है, सूर्य 5:40 पहले चे, दैट इज बिफोर ट्यूजडे ओनली इट इज कमिंग, राइट। तो इसे क्या मंडे हो गया, मंडे सेनाधिपति हो गया, दैट इज मून, मून इज सेनाधिपति, राइट। उसके बाद में विर्गो आ गया, विर्गो संडे, ये क्या है, रसाधिपति, रसाधिपति मतलब क्या है, ऑल द लिक्विड केमिकल्स लिक्विड्स जो भी होता है ना, ऑल दिस मैन दैट इज वेट, जो भी है पूरा उसका अधिपति होता, वो दैट इज वीनस है, वो एक्चुअली क्या है, संडे आया, ओके सॉरी, ये मैं भी गलती कर रहा था, नहीं नहीं ये संडे आता है, ये संडे वीरस लिखा, वीरस नहीं, 1300 आवर्स, हाँ हाँ हाँ, ये सन है, वो गलत है, सन्नी रसाधिपति है, ठीक है, हाँ हाँ, ये तो बाय मिस्टेक गिर गया, कोई बात नहीं, डोंट वरी, कैन करेक्ट इट, वो कर देंगे, हाँ, यस, यू टेक दिस सन, कौन सा संडे आया, और स्कॉर्पियो दैट इज क्या, धान्याधिपति, धान्य मतलब ये सीरियल्स है ना, जो भी अपना दाल वगैरह अगर हाँ हाँ अनाज तो वो अर्ली मॉर्निंग 3:20 को आ गया, 3:28 को जो है थर्सडे था, तो लेकिन एक्चुअली क्या है, अर्ली मॉर्निंग आज अब थर्सडे है बेसिकली, 16 दिसंबर को थर्सडे है, बट 3:28 को जो है अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, इसलिए वेडनेसडे होता, दैट इज धान्याधिपति इज मर्क्यूरी हो गया। सर वी आर टेकिंग द सनराइज टू सनराइज, सर नहीं भाई, अपन जहां पर चेंज होता है, सनराइज के सनराइज टू सनराइज लेना है, हिसाब सनराइज टू सनराइज लेना, तो जब लेते हो मत क्या होता है, 3:20 सनराइज तक, सनराइज तो 6:38 को है, यस सर, इसके पहले आ गए ना, पहले आ गए तो क्या प्रीवियस डे का होगा, वेडनेसडे, ओके ओके अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड, सो दैट मींस नाउ वी हैव टेकन द राइट मेथड, एक्सेप्ट द सच में थोड़ा मिस्टेक है, उसको हम करेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, अपन वी कैन करेक्ट इट, सो बेसिकली सर, सो बेसिकली इट इज द ट्रांजिट ऑफ सन इन द इंपॉर्टेंट साइंस, हां दैट्स ऑल, अच्छा वो भी गलती है, दिस ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज ये धान्याधिपति, देखो ये धान्याधिपति लेके आके सजिटेरियस बोल रहा हूँ, ही सेलिंग यानी कि इसमें किधर, ही सेलिंग ये सजिटेरियस, ये सजिटेरियस कैसे सीन होता, हाउ कैन दी सजिटेरियस बी स्ट्रेंथ, बेसिकली शुड बी वर्गो, ये उनको समझ में अगर बोलते इधर भी गलती कर दी, वो लिखते हुए तो गलती कर दी, सो एक्चुअली शुड बी वर्गो, वर्गो इज द साइन फॉर क्रॉप्स, Yes sir, Virgo, it's either any of the earth sign, मेरे हिसाब से इसी में आना, Virgo में आना, अच्छा crop, she is holding a crop and going, actually crops वहाँ से शुरू होता, धान्य, तो वो that is the sign, तो ये जिस डाल दिया इधर, किसका वो तो animal sign है, एक fighting का है, पूरा उधर लेके आके डाल दिया, but right, वो भी गलती है, अगर Virgo गया तो वो भी change होता, मतलब क्या बोल रहा हूँ, पंचांग जो हमारे हाथ में आ रहा है उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, ओके तो बेसिकली पंचांग श्रवण करते, बेसिकली हमको खुद ये सीख के अपने हाथ से करें तो ज्यादा बेटर होगा, हाँ ये पूरा इसलिए क्या, अब मुहूर्त में किस लिए किताब लिखा, मुहूर्त तो बहुत लोग लिख दिया किताब, बहुत है किताब मुहूर्त के ऊपर, बट असली चीज क्या है, अब मुहूर्त नहीं मिल रहा कुछ तो भी करो, आगे पीछे करो, आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, उसके लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट, वो ऑप्शंस अगर समझ में आ गया तो कोई भी मुहूर्त लगा सकता है, इसलिए किताब लिखना पड़ा, ईगली वेटिंग फॉर द मुहूर्त बुक,
कैंसर एक, वो एक एक ये बहुत ही फेमस तरह का धारणा है लोगों के बीच में कि यू नो परफेक्ट मुहूर्त इज अ मिथ, ऐसा कहते हैं सब लोग, परफेक्ट मुहूर्त इज अ मिथ, परफेक्ट नहीं मुहूर्त होता ही नहीं है, नहीं ऐसा कहते हैं, ऐसा लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं, मैंने भी सुना है। यस है ना, ठीक है, वही वही लेट अस कम, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली द एस्ट्रोलॉजी हैज गॉन टू द पर्संस हु डू नॉट स्टडी एनीथिंग। पुजारी है तो बस है, बमन है क्या, पुजारी का एस्ट्रोलॉजी काम में चलेगा, तो उसको जो समझ में आए वो लिखते चलेगा, बस उसमें गड़बड़ बड़े बड़े लोग करा। मैं बोल रहा हूँ अब शट बाला के बारे में बात कर दो, भाग्य थे लोग, इफ आई टॉक अबाउट शट बाला, बड़े बड़े लोग, अच्छे इतना तुरंतकार लोग है ना, इतने इतने तुरंत बड़े बड़े हस्तियां हैं इसमें, तो वो लॉजिक सोचे नहीं उसके बारे में, तो देव शटबला क्या अलग ही चीज है, वो रेवोल्यूशनरी हो, वो बाद में बात करेंगे एक सर एक शटबला दिन के सर बारे एक एक वीडियो शटबला के ऊपर करते हैं हम लोग। में। अब असल उसका मीनिंग माल कहीं नहीं, श्लोक में नहीं, जो श्लोक में नहीं है उसका मीनिंग डालते हैं, जो श्लोक में नहीं रहता वो अपना दिमाग यूज करते हैं, दे विल यूज दैट मींस, जैसा अभी फेसबुक में जो एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं ना, वैसे उस जमाने में भी था, फेसबुक नहीं था लेकिन किताब लिख सही देते लिख बात दो, क्या क्या जाता पढ़ने वाला, उसका उसका मर्जी है जाता, दैट इज मेन प्रॉब्लम वो है। उसके बाद में अभी क्या है, स्टडी करते हैं, क्या करना, व्हाट इज दैट, यू यू हैव नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ स्टडी। अब उसके क्या है, हम वो नाड़ी सिस्टम बोलते हैं उसको, भृगुनंदी नाड़ी, BNN, उसमें शॉर्ट फॉर्म उसका, जैसा बच्चों का नाम रहता है ना, पिंकी पंकी सही लंकी, ऐसा BNN वो उसका शॉर्ट फॉर्म सत्य। अरे BNN का कोई किताब ही होता नहीं है, BNN का उनका नोट्स है वो, उसका तो है ही नहीं, वो राव सही वो जो सिस्टम सिखा है वो खुद ही वो किताब में जितना सिस्टम और बाहर बाद में लिखे वो कोई वो BNN में आता ही नहीं है। BNN में खाली बोले 212 और 7 बोल के छोड़ दिया उधर, कुछ नहीं बोले उधर। यस अब सर, यस सर, हमारा क्या है इधर, क्या है बोल तो, एक सपोज इफ आई टेक ए श्लोका, मैं बड़ा संस्कृत स्कॉलर नहीं हूँ, मैं लॉजिक यूज करता हूँ उतना, आई रीड संस्कृत श्लोका, ठीक है थोड़ा बहुत सीखा उतना मीनिंग तक समझ में आता, उसके बाद में कहाँ पर ये कैसे इधर क्यों बोला, आगे पहले क्या बोला था, तो पहले क्या बोला था, इधर क्यों ऐसा बोला, तो वो लिंक करते जाना, इसलिए कभी एक किताब को पकड़ के उसके पीछे रह जाना। सर कहीं ना कहीं ऐसा भी तो है कि जो बुक्स लिखा जाता है इट्स लाइक इन फ्लो, एक 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 के पीछे एक, वो ऋषि कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। अगर आप श्लोक को अगर इंडिविजुअली उठाओगे, आगे का नहीं सोचोगे पीछे का नहीं सोचोगे, बस इंडिविजुअली उठा के उसका मतलब निकाल के आप किसी को कुछ सिखाने का प्रयास करोगे तो उसका मतलब नहीं निकलता है, वो सही होता है। पूरे अभी क्या चैप्टर के होता है अंदर, देखो, चैप्टर के अंदर फ्लो होगा एक। इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बृहत् पराशर होर शास्त्रम। शास्त्र बोलते क्या है, रूल्स, रूल्स के मिट से रूल नहीं ले सकते, यू कांट टेक अ रूल फ्रॉम द एक साइंस, यू कांट टेक अ रूल, कोई मिट से नहीं ले सकते उसको, एक प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस में आना पड़ेगा उसको, वो दैट इज सिस्टम है, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग वहां तक की जाने की जरूरत नहीं आएगी, व्हाट आई एम टेलिंग इज व्हाट एवर यू, बट ऑलरेडी जो है ना लोड हो गया पूरा, ऑल द मटेरियल हैज गॉन इनटू इट। कहां से, अभी आप सवाल पूछ रहे थे, यू आर टॉकिंग अबाउट द, एक सवाल किसी ने पूछा, आप मुझे फॉरवर्ड किया थे, दैट इज योर कंबस्ट के बारे में, राइट, स्तंगत के बारे, कंबस्ट के यस सर, यस सर, पराशर की लीस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं उसके बारे में एक चैप्टर भी नहीं लिखा, वो खाली एक जगह रेफरेंस किया, कर, ऐसा होता विल नॉट बी एबल टू गिव द रिजल्ट, बिल्कुल नहीं लिखा होता फिर वो, और कहीं भी वो ग्रह बल में नहीं आया, वो ग्रह बलों में बात करते वक्त नहीं आया, क्योंकि ग्रह बल ये लोग बात वहां पर भी गलती कर दी, जो लिखा श्लोक उसको जो हटके चले गए, है ही नहीं उसके बारे में। अब तुम अभी ये बात कर रहे हो, ये एक एस्ट्रोनॉमी है, एक परसेप्शन है, परसेप्शन क्या है, रेट्रोग्रेड इज अ परसेप्शन, क्योंकि दृक् सिद्धांत है, मैं मुझे जो दिखता है मैं इसको लूंगा, अच्छा मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मार्स पीछे जा रहा है, मुझे दिख रहा है, तो मैं जिस घर में उसको बिठा के देखा था उस घर से हटके जा रहा है, दैट इज माय रिजल्ट, मेरा मेरा परसेप्शन। लेकिन ओरिजिनली क्या हो रहा, ही इज नॉट उसका पास से हट रहा नहीं, वो पीछे भी नहीं जा रहा, एस्ट्रोनॉमी के लिए वो डिग्री जब तुम लेके आते क्लोजर टू द सन, अगर कितना क्लोजर लेके आओगे तुम, दे आर गॉट ए मिनिमम डिस्टेंस, हाई चेयर हुआ तो ऑटोमेटिक चलते रहता है उसका, उसको तुम क्या करोगे उसके बारे में, व्हाट इज दैट यू आर ट्राइंग टू टेल, नाउ यू आर टेलिंग समथिंग, वो जब कम डिग्री क्यों लिया, डिग्री कहीं भी,
पराशर में नहीं दिया, अपना वराह में दिया, कहीं ने उत्तर कालामृत में बाद में आया सर। उत्तर कालामृत पूरा जो है जो बाकी जो पंडित जो है ना नाम लगाने कालिदास का नाम लगा दिया तो चलता बोलते दागा दिया। वो कालिदास है कि या दूसरे काली महाराज थे कि काली महाराज दादी कालिदास कर दिए, बस ऐसा बहुत सारी चीज है ऐसा जातक पाए जाते हैं। वैद्य वैद्या दीक्षित वो ही नष्ट हो जाए ठीक है। और संस्कृत अच्छा उस जमाने में उसका लैंग्वेज अच्छा था तो हम लोग उसको बहुत जातक पारित का किताब लिखे उसके कितना वही लास्ट टाइम बताया था गलती बताया एक एक ही छोड़ ज्यादा गलती नहीं बताना। वो गलती छोड़ दी तो क्या इतना डेंजरस गलती है वो कि पता नहीं लगता। अच्छा एक जगह सीधा बोल रहा है वन फाइनल अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर लग्न को एनिमी होता फिफ्थ लॉर्ड लग्न को एनिमी होता ही नहीं। हो ही नहीं सकता सर, हाँ लॉजिक नहीं है लेकिन कुछ, हाँ लेकिन है शैतान है पॉजिटिव अपना। है पॉजिटिव है क्यों बोल दो जब तक कि तुम नहीं समझोगे भाई जो जो क्लासिफिकेशन शुभा अति शुभा पापा अति पापा ये क्लासिफिकेशन नहीं समझोगे तुमको समझ में आता क्या क्या बोल रहा है। वह सपत्ने बोला यानी कि सपत्ने का मतलब पत्ने बल तो सेवन दोष यानी कि अगर ये पंचमाधिपति के सेवन पे बैठा तो फिर भी अपोजिट टू लड़ना उसका मीनिंग वो था अच्छा हाँ। तो वो वैसे लेके आना पड़ेगा उसको वैसे भी दैट इज ऑल्सो नॉट देयर बिकॉज एनिमेटी कोई भी प्लैनेट अपना गुण जो है राशि के हिसाब से बदलता है एक गुण और उसके ऊपर जो इफेक्ट गिरता बाकी जो इफेक्ट गिरता वो अब खाली एक देख रहा हो तो उसको कौन देख रहा है व्हाट इज हिज इफेक्ट तो वो भी देखना है। यानी तुम डिस्पोजल ले रहे एक जगह बैठ के डिस्पोजल ले रहे बट व्हाट अबाउट द एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स इज मोर इंपॉर्टेंट। आई एम टेकिंग लेसन ओनली एस्पेक्ट नाउ इट ओनली एस्पेक्ट्स एक जगह से बैठे तो क्या करता है वो व्हाट इज दैट ही इज गोइंग टू सी देखता क्या देखने का क्या देखने कुछ खाली गुड़ हो गया क्या गुड़ के क्या कर रहा क्या है व्हाट इज इंटेंशन एंड व्हाट इज दैट ही इज थ्रोइंग एस्पेक्ट मीन्स ही इज थ्रोइंग ही इज थ्रोइंग हिज क्रुएलिटी अलोंग विद दैट ही इज आल्सो व्हाट ही हैज डन टू दैट हाउस दैट आल्सो इज थ्रोइंग सो मेनी थिंग्स इज थ्रोइंग दैट। तो वैसा उसको उसको करना अगर वो जब थ्रो कर रहा वहां पर अपोजिट में इससे भी स्ट्रांग वाला इसको इसको धिक्कार भी कर सकता है ये तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये पूरा ये हॉरोस्कोप कल ले संडे परसों संडे का दिन था एक एनालिसिस करा खाली ओनली वन एनालिसिस दैट इज ये सिंपल एनालिसिस नथिंग ज्यादा कुछ नहीं है एक ही हाउस का एनालिसिस करते गए तो इट टुक अबाउट 2.5 आवर्स एक हाउस का एक मैटर एनालिसिस हम लोग करते इतने सर बहुत कुछ देखना पड़ता है सर, बहुत 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 कुछ सिर्फ कुछ देखना लंबा पड़ता है। बहुत कुछ देखना और आज बैठे बैठे देख लिया एक मिनट 1 मिनट एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है इट्स नॉट 1 मिनट एस्ट्रोलॉजी राइट सर, एंड लॉट ऑफ मीनिंग्स विल बी देयर आई विल टेल यू। अब क्या बोलते सेम लगना जो मीन टू से आज के दिन ये टाइम पे कितने लोग पैदा नहीं होंगे बहुत लोग, सेम लाखों लोग, हजार सेम लोग पैदा होंगे सर। इधर तुम्हारा लक है दैट ऑल द पीपल आर नॉट कमिंग टू यू। अगर 4 जने आ गए एक ही हर्ष को पकड़ के भाग जाओगे तुम हर अस्टाई छोड़कर तो तुम्हारा किस्मत अच्छा है। अब क्या बोल 3 वर्त क्या है वर्त 3 हो सकता वैसे तो कितने के लोग हैं सेम सेम लग्ना सेम ही पीपल आर देयर। अगर आरफ 10 पीपल आ गए तो क्या क्या बताओगे तुम व्हाट इज नाड़ी समझो कुछ भी क्या बता सकते हो तुम क्योंकि वहां पर ये पूरा जितने भी है प्लैनेट्स वगैरह है ना दे आर कम्युनिकेटर्स भाव भाव कब बात होता आपका मन के अंदर क्या भाव है वो भाव उस भाव से मिले तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। मैं आपसे कैसे मत करता हूँ व्हेन आई नो व्हाट यू आर ठीक है। अब 2 घंटे मेरे साथ बैठ के बात करें भाई अब उसके बाद कहाँ जाते हैं मुझे मालूम है ना 2 घंटे बैठ के किधर भी जाने नहीं दिया उसके बाद हाँ जाना पड़ता ना कुछ से कुछ आदत रहता जाना पड़ता वो तो मालूम है बिकॉज आदत मालूम तुम्हारा आदत मालूम है तो इसलिए वो अगर इफ आई नो द आदत ऑफ द प्लैनेट एक प्लैनेट का आदत मालूम हो गया वो कहाँ बैठा हुआ मालूम हो गया उसको उसको कब क्या चेंज करता मालूम हो जाता देन यू कैन देन इट इज नॉट प्रिडिक्शन एनालिस्ट ये ऐसा बैठा है इसलिए ऐसा कर सकता है। चलो राइट कभी सर, भी कितने बार बोलोगे दे आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट अभी वो क्या दैट एंड ऑफ कोर्स इट इज एंटरटेनिंग फैक्टर आप जब क्विज शुरू करें तो इट इज एंटरटेनिंग फैक्टर क्योंकि वहां पर कुछ लगाने का नहीं अंदाजा करने का बस कुछ है ही नहीं अंदाजा कर क्योंकि ये की कॉम्बिनेशन मेनी थिंग्स विल हैपन तो ये सब पूरा अलग है। अब इधर हम देखे तो क्या है बट इधर विल कम बैक टू एनीवे दिस आर ऑल द थिंग्स व्हिच आई वांट टू टेल यू बेसिकली नाउ नहीं सर ये बहुत सही है, बहुत सही है। क्योंकि क्या है ना कि ग्रहों का
उसका खुद का नेचर क्या है, वो कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है, लग्न के हिसाब से उसका रोल क्या है, एक इतना सारा चीज देखना पड़ता है एक भाव के एनालिसिस के अंदर, पूरे 12 भाव के एनालिसिस करते तो बहुत ज्यादा समय लगता है, ये बिल्कुल सही बात है आपका। 18 टाइप्स में चेंज करते ग्रह, 18 टाइप्स दे विल चेंज देयर एटीट्यूड, पता नहीं, एक कारक बनता, एक नेचुरल कारक बनता, एक भाव कारक बनता, उसके बाद में एक एक भाव से दूसरे भाव से मिला लेता, क्या क्या नहीं करता, मजा आ, और दे आर द मल्टी, क्या बोलते हैं उसको, मल्टी फेस एक्टिविटीज है वो, तो सब में होते मालूम होता, इफ यू अंडरस्टैंड। एक दशा लड़न बोल रहा है कि दशा क्या चल रहा है, दशा क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है क्या, क्या क्या मालूम है दशा चल रहा है, 18 टाइप के रिजल्ट देता है एक दशा। 18 टाइप्स, हाँ? 18 टाइप्स, 18 टाइप्स अब रिजल्ट होता, उसमें कौन सा मेच्योर कौन सा होता, तुम क्या बताओगे अस्ट्रा बैठ के, वो उसको, वो उसको मालूम है क्या देना नहीं देना, तो इसलिए क्या बोलना भाई, बाबा तो क्या दे रहा है भाई, प्लीज यू हैव टू बेग, देन ओनली इट विल टॉक टू यू, तो दैट इज व्हाई यू नीड एन अस्ट्रोलॉजर के लिए दैवज्ञ, व्हाट इज दैवज्ञ, दोस हु कैन कम्युनिकेट विद द डिवाइनिटी, ही इज कॉल्ड द अस्ट्रोलॉजर। ऑल द रूल्स विल फेल ऑटोमेटिक, अल्टीमेट का सेम रूल रहता है, एवरी रूल्स विल सेम, सेम हस्त कपड़े सेम रूल रहता है, अगर 10 साल बट बैठा जब, बैठता जब व्हेन ही टॉक्स सेम प्लांट विल कम्युनिकेट इन अ डिफरेंट वे, तो व्हेन इट कम्स इन डिफरेंट वे एंड 2-3 persons आर कम्युनिकेटिंग इन द सेम वे, देन ही विल गो फॉर द, व्हेन ही से अंश कुंडली, यू गो फॉर अंश कुंडली, इट इज नॉट अ चार्ट, यू आर टेकिंग द एसेंस फ्रॉम हियर, गोइंग बैक देयर, ब्रिंगिंग सम अदर एसेंस हियर, so then you will understand it, उसका अलग ही, अलग ही सिस्टम है, दैट इज नॉट, इट कैन नॉट बी, वो नवांश में डिबेट हो गया, सब ये सब बकवास बात है, यहाँ एग्जॉल्टेड है नवांश में डिबेट हो गया, नवांश में एग्जॉल्टेड एग्जॉल्टेड, सब बकवास, वहां पर वो छोटा साइन है, एक साइन का 320 डिग्री से है एक पेज का, तो उसके अंदर एग्जॉल्टेशन कहाँ से लेके आते हो, हाई नहीं, पूरा एक चैप्टर ही बनता हो, चलो वो बात छोड़ो, अब इना वी विल कम बैक टू दैट। हियर क्या होता है, 3 लग्न होता है, फर्स्ट थिंग क्या बोलते हैं उसको, जिस दिन यानी कि पद्मी हुआ, जिस दिन लग्न है यहाँ पर मेजर लग्न आएगा, दैट इज यहाँ पर है, देखो यू कैन सी द लग्न हियर, लग्न यस सर, हियर, ये लग्न क्या है, दिस इज कॉल्ड जगन लग्न, बट इज तो जिस जो कंट्री है वो कंट्री के लिए तुम डाल रहे हो, बिकॉज ये निरायण है, निरायण है, कौन सा हम यस डाल सकते सर, लेकिन इसको, सर आप साइना, हाँ निरायना डाले तो हमारा कंट्री का होता, ओके ओके जो भी कंट्री में निरायना डाले उस कंट्री का होता, अच्छा अगर साइना डाले तो दैट इज कॉल्ड विश्व लग्न। ओके सर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप दिया है आपने, बहुत बड़ा टिप दिया है आपने। हाँ दैट इज हाउ यू हैव टू से, अगर वर्ल्ड को देखना है तो इधर बैठ के आई कैन नॉट से व्हाट व्हाट अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या करता, मैं इधर से नहीं बोल सकता, ओके ये अंदाज में मारना भाई, अभी और 4 महीने पर बहुत सीवियर होता बोल सकते हैं, अभी सीवियर होता है, अभी क्या, अभी वी विल सी इट व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, नाउ नाउ इट इज नाउ दिस लग्न इज पब्लिक, जनता कंट्री में जनता है, राइट ओके हाँ, यहाँ बैठा है, जीवन जीवन पब्लिक या फर्स्ट हाउस, दैट इज दिस लग्न इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पब्लिक, दैट इज सिटीजंस, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो है इधर लग्न आता है ना, इधर ये लग्न कौन सा, रात को आता है ना लग्न, सन जब रात आ, सन कम्स हियर, सन वेर विच एवर साइन ही एंटर्स दैट बिकम्स द देश, दैट बिकम्स देश देश देश, सो अभी देश के बारे में बात नहीं कर रहा, 2 बजे आता, लेकिन आता इसलिए आता है इधर डाल लेंगे, दैट इज इट इज देश। उसके बाद में जो राजा बनता, रजा बनता, राजा जहां बैठा है, दैट इज चलाने वाला है पूरा कम, वो उसका एक इधर कौन है, इधर कौन बैठा, कुजा यहाँ बैठा है, देखो इधर पूजा, यस कुंजी सर, यस सर, यहाँ बैठा, यानी कि वी आर जजिंग, बाकी पूर्व जज कर सकते हैं बट उतना अब तो टाइम नहीं रहता अपने को, वी विल ओनली टेक कैसे ओके, ये लग्न को देखेंगे, लग्न को देखे तो क्या हो रहा है इधर, फर्स्ट थिंग इज सैटर्न इज सीइंग द लग्न, यस सर, नॉट देखो एक्सपेक्ट, देख रहा है ये, यस सर, यस सर, हाँ ये सॉफ्टवेयर है इसका, दैट इज मैत्रेय बोल के इसमें, हाँ ऐसा एस्पेक्ट दिखता है, जैसे ये सैटर्न इज सीइंग द लग्न, राइट, राइट फर्स्ट क्या है वो,
ये बात जो पहले लग्न में कौन बैठा है, सन बैठा, लग्न में सन बैठा रहा, तो इज टेलिंग मैं तो आगे जा रहा हूँ, बट फिलहाल मैं तो आगे जा रहा हूँ, बट इधर फिलहाल बैठा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रांट हेल्थ टू द पीपल पब्लिक. ओके because he is health karaka no yes sir right sir baba sunny sunny health karaka and then he is a lagna karaka also lagna karaka also yes sir natural wo first bhav ka karak hai samjho ha karak hai to first bhav karak hai character samjho dignity samjho health samjho pura wahi deta hu complete direct tayar but he is with a papi kon papi idhar ye aata buddha Because he is with a cruel planet, he also become cruel. फिर एक क्या cruel हो? Public का mind cruel हो गया. Okay, बुद्धि cruel हो गया. Natural nature के हिसाब से. और Saturn देख रहा, lazy हो गया. Okay, yes sir, right sir. They don't want to take care about health. Right sir. For 11th house में 11th Saturn बैठा है. 11th house मतलब यानी कि नीच नीच तरीके के एंजॉयमेंट के लिए रेडी है. हाँ सर, सब नेटफ्लिक्स पे लगे हुए हैं आजकल, पूरे दिन मूवी देखते रहते हैं. तो नेचुरल दैट इज इट्स वेयर बता रहा है. नेक्स्ट सैटर्न इज एस्पेक्टिंग 5th हाउस, यहां से यानी कि मेडिसिन अगर देते देखो ये उनका 5th हाउस मेडिसिन भी डिले जल्दी काम नहीं करता. हाँ राइट. देन इधर देखो 8th हाउस, लेट मी से 8th हाउस संक्रमित रोग बोल तो ये जो क्रिमिकेट जो होता है ना पैंडेमिक वगैरह थर्ड हाउस इंडिकेट करता हूँ. अच्छा, रोग से रोग यानी कि एक 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 वो बैक्टीरिया वो खुद ही रोग है, वो रोग से फिर एक रोग आता है, इसलिए थर्ड हाउस बिकम्स ये पैंडेमिक ये जितने भी वायरस है उसमें आता है पूरा कंप्लीट. सर थर्ड हाउस तो लॉन्जिटिविटी का भी होता है ना सर. एथ हाउस इज व्हाट जो जो एथ हाउस है वो पूरा बैलेंस करता है. जो जो एथ हाउस में हां जो यानी कि डिफिकल्टीज सैडनेस एवरीथिंग विल कम देयर. ओके. एंड भावात भाव में सेकंड भाव सेकंड टू सेकंड होता वो. जब थर्ड भाव सेकंड टू सेकंड यानी कि धन आता है ये पाप के साथ आता पूरा कंप्लीट. अच्छा, थर्ड हाउस इज गिविंग वेल्थ देन इट इज कमिंग फ्रॉम पाप सोर्स बिकॉज़ दैट इज एथ हाउस दैट इज एथ टू एथ हाउस. तो ये लेवल पे और ये थर्ड हाउस हो गया ना, वहां पर कौन बैठा है? कुजा बैठा है, राहु बैठा है. यस सर, स्प्रेडर. यस सर, स्प्रेडर. राहु इज स्प्रेडर. यस सर, राइट. देन अभी क्या है, अभी एस्पेक्ट में अभी जो अभी किसी को नहीं मालूम, अभी क्या है राहु केतु का सेवन आस्पेक्ट बताते ये ट्रेडिशनली ये भी बताते. देखो सेवन आस्पेक्ट बताए राहु केतु को, सेवन आस्पेक्ट नहीं है राहु केतु, सेवन आस्पेक्ट नहीं रहता इधर लगाए तो सेवन बताता है, सेवन आस्पेक्ट बताता है गलत है बिकॉज ये दोनों की एक ही स्टाइल है, उनका एस्पेक्ट नहीं रहता दोनों के लिए, वो एक एक एस्पेक्ट रहता है. तो अभी क्या है कुजा इधर देखो कितना है ये मार्स कुजा, कुजा कितना है ही इज इन 29 degrees राहु केतु के बीच में अटक गया वो थर्ड हाउस में. मतलब इधर क्या है एक केतु बिलीव स्ट्राइक बिलीव करने वाले एक कुछ लोग है भाई चलो भाई इंजेक्शन ले लेंगे आराम से रहेंगे, दूसरा जो है उसको खराब करने वाले भी बोलते हैं. हाँ, तो ये सो मतलब क्या है दिस इज ये ऐसा ही चलता रहेगा, अभी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, इतना जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, ये साल पूरा जो है ये डिसीज का असर चलते रहता है. ये कम हो कि जितने वैक्सीन आए तभी होता, दूसरा आता और एक आता, ये चलते रहता है. ये सर बेसिकली आप ये कह रहे हो कि वायरस म्यूटेट होते जाएगा, म्यूटेशन हो रहा है और ये और म्यूटेट हो जाएगा, अपना रूप स्वरूप अपना स्वरूप बदलते रहेगा. हाँ, अब क्या होता है ये अगवा फैलता है, ये राहु बैठा हुआ ना एक अगवा फैलाता,
ये वैक्सीन मत ले, ये वैक्सीन मत ले, उसमें कन्फ्यूजन, चलो मेरे वैक्सीन की जरूरत नहीं है, बल्कि अब उसमें ये बार जो है, बिकॉज व्हाट आई एम टेलिंग इज एइथ लॉर्ड जो है ना, अगर दिस एइथ लॉर्ड इज लगना, हाँ मतलब क्या है, ही इज रेडी टू मेक पीपल सफर विथ व्हाट, विद द कोरोना, सेम सेम थर्डोस और 3 and 8 लॉर्ड है ना वो, राइट सर, केतु केतु तो कैसे? हाँ इतना जल्दी जाने वाला नहीं है इतना, ये साल में तो ये चलता रहेगा, ये इतना कर्फ्यू होगा, ये कल तो बंद होना ओपन होना, बंद होना ओपन होना, इधर नहीं तो उधर उधर, ये तो फैलता रहेगा, इट इज दैट इज देन इसके बेसिक बेसिकली क्या है, बिकॉज द लग्न लॉर्ड, यानी कि जो आदमी अपने आप में जो भरोसा होने वाला है वो आप छोड़ के, अपने आप को कॉन्फिडेंस छोड़ के पीछे चल गया, 12th गुरु, समझ मतलब क्या, ही डजंट वांट, ए छोड़ो क्या, कुछ भी नहीं होता, मास्क पहन ले रहे है, जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होता, बस ये सब अच्छा बैठ सर, गया। सर इसमें ये जो एक शुभ कतारी भी बना है ना, चंद्र शुक्र और हाँ गुरु, लग्न के बीच बिटवीन बेनिफिशियल प्लैनेट्स। अभी कहाँ बेनिफिट हो गया लग्न का, लग्न पर हाँ क्या, लग्न तो गया ना, हाँ लग्न खुद बुद्ध तो गया, लेकिन है वो शुभ बुद्ध कतारी के अंदर, तो लेकिन वी कैन से कि पब्लिक ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, ऑप्टिमिज्म है। हाँ कुछ नहीं, आप नहीं है ना, जब उनका उनका डिसीशन देखो ना, इधर थर्ड हाउस में आज बोलो जाके 10 जने को बोला भाई मास्क पहन लो, हाँ बोलते, वो कान राव का, वो राव है ना, सुनते हाँ बोलते, और नेक्स्ट मोमेंट आज बात करते बोलते निकाल ही देते बात। राइट सर, राइट सर, राइट सर, एक आदमी पढ़ रहा है, न्यूज पढ़ रहा है, नीचे वॉकिंग जा रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू समबडी, देखो बॉम्बे में ऐसा हो रखा था, इसमें ऐसा हो रखा था, खुद मास्क नहीं पहना, हिपोक्रेसी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नाउ लेट अस कम टू द कंट्री, यस सर, दिस इज द लग्न कंट्री, यहाँ बैठे ना, हाँ सर, कंट्री है ना, हाँ यहाँ कौन बैठा है, चंद्र शुक्र है ना, यहाँ पर जो है ये जो ये बेसिकली ये चंद्र चंद्र शुक्र है, शुक्र जो है एक्सचेंज है इसके साथ में, मार्स के साथ में, कुछ के साथ में एक्सचेंज हो गया, परिवर्तन ही हो गया था, सेकेंड एंड थर्ड का परिवर्तन हो गया था, यस सर, राइट सर, बोल तो क्या है इधर देश में इसका असर, यानी कि दिस इज इट विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश का मेजर प्रॉब्लम होता अभी है, इट इज गोइंग टू बिकम मेजर प्रॉब्लम, सो वो कंट्री के ऊपर वो वजन गिरता होगा, एंड दैट बिकम दैट दैट इज गोइंग टू बिकम ए थिंकिंग फैक्टर फ्रॉम देयर, बिकॉज फोर्थ लॉर्ड इज सिटिंग देयर, ही इज बिकम वीक हियर, ही इज अ क्रूयल, कैन वी थिंक दैट कि कंट्री के ऊपर लोन वगैरह जो डेप्थ होते हैं कंट्री के, वो बढ़ते हैं इस साल, बस हो गया था बहुत ज्यादा बढ़ने बट वाले हैं, क्योंकि वो एक्सचेंज हो रहा है ना, उसी तरीका का है, और प्लैनेट जो एक्सचेंज कर रहे हैं इसके साथ में चंद्रमा बाबा शुक्र आ रहा है। अभी 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 नहीं, मैं पता ही नहीं, अभी अभी असेट बाकी है, पिक्चर बाकी है बहुत, ये देखो इधर लिखा है प्रभु तो क्या क्या करने का, देखिए राज्य राज्य स्थिति रवि, अगर वहां रवि बैठा तो ये रवि कारक है उसका, वहां पर अगर एनवी बैठा तो राज्य स्थिति गया, राइट, एनवी बैठा है ना सर, अभी शुक्र बैठा है ना विथ मार्स इफेक्ट गया हो काम से, प्रभु नेक्स्ट सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस क्या है, प्रभुत्व कोष कोषालय ट्रेजरी, सेकंड हाउस खाली होता, अभी चंद्र बैठा है इधर, यस वो सर, राइट तो सर, राइट सर, कंफर्ट के लिए बैठा, वो भी जाता, देन प्रभुत्व योद्धा, ये जो चलाने वाले ना, योद्धा बोलते ऑफिसर से, ऑफिसर इन चार्ज समझो पूरा कंप्लीट, जो काम करने वाले न्यूज और न्यूज चैनल से पूरा न्यूज चैनल्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ये पूरा कंप्लीट, यहाँ थर्ड हाउस, यहाँ पर कुजराव बैठा, यानी कि बकवास चीज अबाउट रॉन्ग डिसीजन भी गोइंग ऑन, वही हो रहा है सर। बिकॉज सेकंड हाउस वेरी थॉट है, बिकॉज इसके इसका सेकंड हाउस है ना, ये यस सेकंड हाउस सर, का मतलब है वेरी थॉट, इट्स अ थॉट प्रोसेस इटसेल्फ, देयर मतलब बुद्ध मंदबुद्धि संस्कार और संस्कार खराब हो गया, पूरा सारा पूरा को सिस्टम का संस्कार स्थिति बिगड़ में, गया। हाँ बिगड़ कंप्लीट बिगड़, तो ये गलती करें, दे आर डिड दे डिड मिस्टेक, नो डाउट अबाउट इट, कारण गलतियां करे वो, क्योंकि वहां से राव देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, सिक्स हाउस को देख रहा है, यस सर, ये बहुत गलतियां करे, अनवांटेड थिंग्स करे वो,
खुद के साथ बैठा है, तो इफेक्ट गिरना ही है उसको। तो ये पूरा पूरा 12 आवर्स का आता है इधर, पूरा 12 आवर्स का आता है इधर। बट ओनली कि दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर इट, बिकॉज वी आर ओनली बाय इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसिंग। बट पूरा सर थोड़ा थोड़ा सर सर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, 2-2 मिनट का थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, बस अच्छा एक ठीक है, ओवर ओवर व्यू दे दीजिए खाली इसका। ओके ओके ठीक है। अभी क्या है, अभी ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस को देख के तो देख रहा है इधर से, दैट मींस एसेट्स। फोर्थ हाउस क्या है, योर एसेट, यस गवर्नमेंट एसेट्स, ये पूरा जो है गिरवी रखना पड़ेगा। वो एसेट्स पैसा पैसा बनाने के लिए कुछ ना कुछ धंधा करना पड़ेगा एसेट से, दैट सर, इज। एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ये पिछले साल तो नहीं अच्छा हुआ है। नहीं अब देखो, नहीं अब तक क्यों, मार्स कितने 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 लोग हैं हमारे पास, अभी पूरे मार्स है, यस सर, राजा मंत्री पूरा वो पूरा फायरी फायर है अभी। यस सर, देखो कुछ भी हो सकता है, अभी वार भी हो सकता है, यानी कि वार जैसा के सिचुएशन भी आ सकता रेवोल्यूशन, है, रेवोल्यूशन, पब्लिक और एंगर, रेवोल्यूशन, जो हम फाइट्स, डेथ्स, फाइट्स, राइट्स इसके बहुत राइट्स करके, हो सकते हैं, और ये दिस कह इज सकते हैं। नॉट गोइंग टू बी, हाँ दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी होगा। ओके सर, ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक सड़कों पे आ जाए, एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाए, अभी तो चल ही नहीं रहा ये था बहुत अभी। बड़ा आंदोलन, नहीं, ये वहां पता है ना, पब्लिक जो ओरिजिनल पब्लिक है ना, दे आर बेसिक, देखो वहां पर सन बैठा है, दे आर बादर अबाउट देयर ओन नेम, दे आर बादर अबाउट देयर ओन, देयर ओन मेटेरियल एस्पेक्ट। वहां पर बैठे ना उधर फोर्थ यस एंड सर, सेवन्थ, यस मेरा बीवी मेरा मकान, मेरा बीवी मेरा मकान, फोर्थ एंड मरकरी बैठा ना मेरा लग्न में मेरा घर, मेरा घर, मेरा देश। और मेरा, और कुछ भी चल रहा है भाई, चलो पिक्चर नहीं तो छोटा फोन में देख लेंगे, वो उसमें देखेंगे, 60 में बैठा ना रात में, छोटा छोटे हाँ चाहिए वो कैसे देखेंगे, पर पिक्चर तो जाएंगे, और खुद का खुद को अरे हेल्थ केयर देख ले रहे बोल तो क्या हाल देख ले वापस, ही इज गोइंग टू बेड 12th हाउस, ये दैट इज द मेंटालिटी। तो इसे इधर अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट तो सर फाड़ ले रहा है वो, कैन अंडरस्टैंड इट, क्या करना है इसको, ये कितना बोल समझ में नहीं आ रहा उनको, तो गवर्नमेंट वो हाल कर, अरे गवर्नमेंट हाल तो बता रहा हूँ। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या है भाई, बेसिकली फोर्थ हाउस इज द डिग्निटी ऑफ द पीपल, राइट, राइट दैट इज उनका एजुकेशन पर, देखो इनका एजुकेशन वगैरह, एजुकेशन और एनीथिंग, एनी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज पूरा जो है के तो देख रहे हैं सर। पब्लिक का फिफ्थ हाउस हो गया, मतलब उनका नॉलेज गेज पूरा कंप्लीट कर देने वाले के, फिर अगेन लॉकडाउन, अगेन एक्सटेंशन पढ़ाई में बात, एंड देन उनका नेचुरली वो क्या है, दूर दूर रहना तो वो बॉन्डेज भी कम होता राइट सर, है, तो वो होता फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में क्या है, सिक्स्थ हाउस को सन देख रहा है, बुध देख रहा है, वहां से दे आर ट्राइंग टू डिप्लोमेटिकली, इधर से नहीं यहाँ से देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, पब्लिक के हिसाब से किधर देख, ये सिक्स्थ हाउस को देख रहा है इधर इधर इधर, मतलब दिस दिस गेटिंग अफेक्टेड हियर, मतलब क्या है सन, दे आर ट्राइंग दे आर बेस्ट, दैट सिक्स्थ हाउस को अच्छा बनाने की कोशिश कर, तो क्या होता है, ओल्ड ओल्ड लॉर्ड देख रहा ना, एनिमीज दे आर वेरी स्ट्रांग, हाँ वो जो एनिमीज है ना, दे आर वेरी स्ट्रांग, उनका जो उनका इन्फ्लुएंस है, अलग इन्फ्लुएंस है उनको, बिकॉज क्या इन्फ्लुएंस है उनको, देखो मैं टीवी में बात नहीं कर सकते, राहु देख रहा है इधर, समझ गए होंगे तुम, ओके राहु मार्स देख रहा है, मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स है पूरा उनका, उनका सपोर्ट है इधर, सिक्स हाउस वही एनिमीज है पूरा कंप्लीट, असर गिर रहा है उधर, एंड ये लॉर्ड जो है जाके, दिस लॉर्ड इज सिटिंग इन द 12th ऑफ द गवर्नमेंट, ये हाँ गवर्नमेंट है ना, ये 12th, यस सर, दैट मींस इसको सपोर्ट नहीं करते कभी भी, दे विल नेवर अग्री विद द गवर्नमेंट, एंड देन इट इज फिफ्थ हाउस फॉर इट। अब ही कितना यूज कर, ही हैज टू यूज, बिकॉज ही इज सिटिंग राहु, ही हैज टू यूज, ही हैज टू टेक देम इनटू अकाउंट, पर कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है। अब बहुत सारे हुआ कॉम्प्रोमाइज, अभी तो हुआ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अभी भी करना पड़ता है, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज, ये तो ये प्रॉब्लम है इनका। सिक्स्थ है, सेवन्थ देखो, सेवन्थ क्या है, प्लानिंग, सेवन्थ प्लानिंग यस सर, गवर्नमेंट से, सेवन्थ प्लानिंग क्या, वीनस, वीनस सिटिंग, अच्छा प्लानिंग, तो यस लॉर्ड वहां वीनस बैठा है, ओन साइन एस्पेक्ट है चंद्र, इसका। यानी कि यस फोर्थ हाउस का है, तो फोर्थ क्या करते हैं, दे विकास फॉर द वेलफेयर ऑफ इट, दे डू सम गुड प्लानिंग, और ये कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है स्पेशली, ये सैटर्न इधर देख रहा है, इट इज नॉट फॉर द ऑर्डिनरी पर्सन, इट इज ओनली लोअर कास्ट पीपल, ओके वादा, मतलब जो प्रॉमिसेस है, मतलब जो गरीब लोगों को बहुत प्रॉमिस मिलने वाले हैं। हाँ वह उसी को करने वाला है, तो देन यही तो सुंदर, दिस इज वेयर द मनी, यू आर इकोनॉमी स्टार्ट से इंक्रीज इन इनकम स्पेंडिंग, दैट इज गवर्नमेंट लॉस, यहाँ पर केतु बैठा है, हाँ, इकोनॉमी गया कम से, अरे बाप रे,
उसके बाद में नाइन्थ हाउस, सपोर्ट, पब्लिक एक्सेप्टेंस, पब्लिक एक्सेप्टेंस नाइन्थ हाउस में। ये कहाँ बैठा है? ये जैक है, टेंथ में बैठे, नाम तो आ रहा है, गवर्नमेंट को जो है ना, इलेवेंथ इट्स प्रॉफिट, वॉट एवर दे पब्लिक आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, बैठे बैठे खुद खुद नंगे हो गए, बट लोग उसको सपोर्ट करते हैं खुद जुपिटर बैठे इधर, यहाँ जाके यहाँ बैठा है, नहीं इलेवेंथ में इसको सपोर्ट कर रहा, आई नीड फॉर नेम, वो मोड़ी मोड़ी वो चलाते ना, ये चला रहे ना, खुद को क्या मिला रहे, खुद तो गया काम से, हालत खराब है। हालत खराब हो अच्छा सर, सैटर्न इन टेंथ हाउस, सैटर्न इन टेंथ हाउस, सैटर्न इन टेंथ हाउस, यस सैटर्न इन टेंथ हाउस, क्या होता है, बदनाम होते हैं ना, बदनाम भी होते हैं, नाम नहीं आता, पर सर ओन साइन है ना, कैप्रिकॉन भी है ना सर, वो इकोनॉमी में मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पर कुछ वर्क में शुरुआत होगा। अच्छा, एक काम करो, आपके बस्ती में गुंडा रहता, देखो उसके घर में जाके बैठो, वो घर में रहता ना, अच्छा होता क्या, वो गुंडा और जबरदस्त रहता वो यही तो प्रॉब्लम है, वन लार्ज सिटिंग इन द वन हाउस, वो क्लियर कट दिया हुआ है, वन लार्ज सिटिंग इन द हाउस, इफ ही इज गुड देन ओनली गुड। तो अपना घर को, अपना घर का, अपना घर क्या है, उसको इसको खुद का घर है, तो क्या है वो, तू कुछ भी बाहर में जा, मैं नाम की जरूरत ही नहीं बोलता, आई डोंट वांट नेम, तो व्हाई डू बदर, कुछ भी उसको कुछ नहीं होता, लेकिन है तो काम तो करता ना उसका, टेंथ हाउस में सैटर्न में बैठा हुआ होता, सन के विरुद्ध है, बदनाम आना, बदनाम आना जरूरी है, कहने का बदनाम होता है, शार्टली सब दिखता तुम्हारा, ये सब पूरा गवर्नमेंट के बारे में, और राजस्थान बैठा वेरी मॉल मनी, मेनी मनी मेनी, बहुत सारे खर्च करता पड़ता पब्लिक को देखो, ठीक है, वो पब्लिक हो गया ना, इसका राजस्थान बल देर स्पेंड मनी मोर टू द पब्लिक, देना पड़ता है बहुत सारे दिन, तो खजाना थोड़ा खाली खाली होता है। नेक्स्ट जो है इधर है, इधर प्रधानमंत्री, इधर किंग, व्हाट इज द रोल ऑफ किंग, द किंग हैज टू बी, he has become little weak now because koja mar jo dhair tha uske sath rahu baith gaya, he has become diplomatic now, aur saturn dekh raha hai har cheez jo hai na kaam karte hue isko diplomacy, foreigners ko involve karna, he has to involve foreigners, foreigners ko involve karna more, he is more bothered about outside the matter, inside ke wajah se jo outside matter hai ki ek to ninth house mein saturn baitha hua hai, then it is rahu is basically a foreigner, foreign thing, and he is more bothered about foreigners because he wanted to save the government, 6 house hai na, ye enmity factory isko kam karna hai usko, the government jo hai na usko iska ruler hai, ye jaake idhar baitha hai, wo role ke kya kar raha hai, isko he is trying to organize this thing, isko add karke somehow ye country ka name fame aana aur country ko thoda enmity kam hona uske isi mein laga hua hai, baaki sab cheez utna khaas nahi hai kyunki mantri bhi wahi hai, iske sath mantri bhi wahi hai, तो मतलब मंत्री वही, मतलब क्या साथ में जातु जो भी एडवाइजर है वो भी उसी उसी कैसे, बोथ आर थिंकिंग द सेम वे, हां मतलब ही इज नॉट क्लस्टरिंग एनीवन, ही इज टेकिंग, ही इज द प्राइम मिनिस्टर लेकिन ही इज बिकम द मिनिस्टर आल्सो, तो सारा काम मैं ही करूंगा, सरकार ने साथ साथ में, और एक उसके साथ में और एक ध्यान, वो भी ऐसी चाहना, उसके साथ वाला भी ऐसी चाहना, तो दोनों मिलकर करते रहते हो, दो जन है ना, राहु भी है ना, देयर आर सम पीपल, ये कह सकते हैं सर, ये कह सकते हैं राहु भी है तो ये प्राइम मिनिस्टर और मतलब जो राजा है, मंत्री है, वो कहीं ना कहीं विदेशी विदेशों के वजह से दबाव में आ गया है, नहीं दबाव में नहीं आया क्योंकि ये दबाव नहीं कर सकते, साठ क्रॉस कर गया, क्रॉस हो गया, डिग्री क्रॉस किया उसने, राहु साठ में सेम एक ही गैंग है, चेंज नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ इसका अरेंजमेंट की वजह से कुछ कुछ गवर्नमेंट वहां से बाहर से जो आने का वो नहीं आ रहा, इसका कुछ अरेंजमेंट की वजह से, अच्छा बिकॉज मार्स इज सिटिंग इन वीनस हाउस, तो आड़े में से कब आता, देखो कोई बुरा कर रहा है तो उसको खुद कर रहे, घर में रहे तो अच्छा बुरा कर देता, अब ये बुरा करने वाला है लेकिन एक अच्छा कर भी कर रहा है, ये दो कॉन्फ्लिक्ट में जो है ना, क्या चीज सही है क्या नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, एंड जय बिकॉज केतु राव कुजा मंत्री सिंह केतु बोलते वो एक बार ठान लिया ऐसा करना ऐसे कर देता वो, तो इसलिए वो सिस्टम है, ठीक है, so this is exactly what I wanted to tell,
ओके सो वी कैन और क्लोज सर दिस एक बात और सोर्स। है कि इस कुंडली में मतलब मैक्सिमम प्लैनेट एक्सेप्ट फॉर जुपिटर एंड मून सब प्लैनेट कहीं ना कहीं राहु केतु के एक्सेस में आ गए हैं, राशि परिवर्तन करके आ गया, एस्पेक्ट में आ गया, सामने आ गया, कैसे भी करके आ गया। पब्लिक गवर्नमेंट एवरीबडी इसमें है, हाँ फिक्सिंग में है, आ गया, वो भी पहले है, पहले दैट्स गुरु एक बृहस्पति नहीं आया, मून नहीं आया, कुछ दो नहीं आया। ये बीच में यहाँ पर एक प्लांट नहीं है तो बच गए समझो, दे कैन एस्केप। अगर एक भी यहाँ पर एक प्लांट आ गया तो कंप्लीट सर्कुलर में पूरा हाँ करंट वो करंट बन जाता, करंट बन जाता पूरा का पूरा, शॉर्ट बन जाता कंप्लीट। हाँ अभी क्या सर्किट है, हो जाता, शॉर्ट सर्किट हो जाता। ब्रेक हो जाता। हाँ ब्रेक हो जाता। एक चीज क्या हुआ, तो ये राहु, ये अच्छा लगा मुझे, राहु इधर बैठे से क्या हो गया, वो जितने भी है मार्स इधर बैठे ना, मार्स आए से अच्छा हुआ, लेकिन ये लोग बहुत डेंजरस थे, एंटी हाँ कम्युनिज्म जो है ना, अभी क्या थोड़ा वायलेंस करते, थोड़ा वायलेंस मतलब करते है फाइटिंग तो होगा, लड़ेंगे तो सही, तो ना, चलो ना चलो हथियार डाल देते, बिना लड़े हथियार डाल देते। नहीं साइलेंट बात, ये कैसे मालूम, नीचे गिरा तो मूंछ को माठी नहीं लगा बोलते लोग। हाँ तो ये हिसाब है, ये कुछ ऐसा बोलते हैं, पूरे हर गए कंप्लीट। अब काय को तुम जाके पूछो ना, तुम्हारा वहां पर जो चल रहा है वहां पर जाके पूछो ना, अभी क्या कुछ कुछ तो भी अनाउंस कर दिया नाम से, और डाइवर्ट करने का बहुत अच्छा मालूम है, डाइवर्ट कैसे करता हूँ औरंगाबाद को नाम नेम चेंज कर दिया सर। जैसे हाँ बस उतना ही, कुछ इधर क्या है, नहीं बैठा है इधर स्टोरी बता, मुझे आ जाए औरंगाबाद मिल गया, औरंगाबाद के नेम चेंज हो, कुछ खुद को क्या मिला रहे भाई, राइट सर तो ऐसे होता है। तो दिस इज द क्लास एक्चुअली, अच्छा वेरी लगा। नाइस सर, वेरी नाइस सर, मजा आ गया सर। ओके और कुछ नया चीज सीखने को मिला, पंचांग के ऊपर नहीं भरोसा करना है, अपने हाथ से बना लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, अगर आप अरे बैठोगे तो 15-20 मिनट बना लोगे इसको आराम से। आराम से करेंगे उसको। ओके राइट, ओके थैंक सो हैव अ नाइस डे, एंजॉय, यू सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ग्रेट विजडम एंड नॉलेज, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।